दोस्तों मूवी की शुरुआत करने से पहले अगर आप अभी भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी तक मेरे चैनल को 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। गाइस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी सपाला को दिखाया जाता है, जहां पे एरा हमें 1900 का दिखाया गया है। उस जमाने में स्लेट्स पर सफर करना बहुत ही नॉर्मल था। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता था और इस राइड के लिए एक खास किस्म के डॉग्स का यूज होता था। सपाला भी एक स्लेट राइडर था और उसके पास बहुत ही अच्छी किस्म के नस्ल के डॉग्स थे, जो कि उसके सफर और उसके काम को बहुत ही सरल बनाते थे। एक दिन सपाला के पास एक नए पपी की बर्थ होती है। ये साइबेरियन हस्क का पपी था और ये डॉग्स काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। सपाला का ये ख्याल था कि ये डॉग उसके किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये इस डॉग को बाकी डॉग्स की तरह स्लेड राइड पर नहीं ले जा सकता था। इसलिए सपाला चाहता था कि वो इस डॉग को किसी और को दे दे, मगर सपाला की वाइफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सभी डॉग्स को अपने बच्चों की तरह रखती थी। सपाला की वाइफ इस डॉग का नाम टोको रखती है और कहती है कि टोको मुझे अपने बच्चे जैसा प्यारा है। ये सभी डॉग्स मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है और मैं इनमें से किसी को भी अपने से दूर नहीं करना चाहती। हमें टोको को एक मौका तो देना चाहिए, वैसे भी ये अभी बहुत छोटा है। हमें इतनी जल्दी इसके बारे में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। अब सपाला ऐसा चाहता तो नहीं था, पर फिर भी वो अपनी वाइफ की बात मान लेता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, टोको बड़ा हो रहा था, लेकिन टोको काफी ज्यादा शैतान था और उसने सपाला की नाक में दम कर रखा था। सपाला की वाइफ हमेशा उससे यही कहती थी कि वो टोको को अपने साथ स्लेड राइड पर लेकर जाए, मगर सपाला अपनी वाइफ से यही कहता है कि टोको अभी बहुत ज्यादा वीक है और ये स्लेड कार पर सर्वाइव नहीं कर सकता। सपाला अब एक दिन टोको को अपने फ्रेंड को दे आता है, मगर सपाला की वाइफ ये जानती थी टोको इतना ज्यादा शैतान है कि उसको कोई भी नहीं रख सकता, और अब होता भी ऐसा ही है। अगले दिन सपाला का फ्रेंड टोको को वापस ले आता है और कहता है कि तुम्हारे ये डॉग बहुत ज्यादा शरारती है और इसे मैं अपने साथ नहीं रख सकता। ये बात सुनकर सपाला की वाइफ बहुत मुस्कुराती है, क्योंकि वाकई टोको बहुत ज्यादा शैतान था। सपाला जब भी अपने बाकी डॉग्स को राइड पर लेकर जाता था तो टोको उसका पीछा करता था। हालांकि सपाला टोको को जाली के पीछे कैद कर दिया करता था, मगर फिर भी वो जमीन को खोद कर वहां से भाग जाता है और सीधा सपाला के पीछे आ जाता है। अब टोको के आने से वो बाकी डॉग्स के साथ मस्ती करने लगता है, जिस वजह से सपाला की प्रैक्टिस खराब हो जाती है, जो वो अपने डॉग्स के साथ कर रहा था। एक दिन वो पानी में भी गिर जाता है। सपाला उसकी शरारतों से तंग आ गया था, इसलिए अब वो टोको को रूम में बंद कर देता है, मगर टोको वहां से भी किसी तरह से बाहर निकल आता है। अब एक दिन सपाला अपनी फीमेल फ्रेंड को कन्विंस करता है कि वो टोको को अपने पास रख ले। सपाला की फ्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, वो ये कहती है कि टोको को रूम में ही रहना होगा। खैर सपाला को अब इस बात से कोई भी मसला नहीं था। वो टोको को अपनी फ्रेंड के पास छोड़कर वहां से चला जाता है, मगर उनके जाने के थोड़ी ही देर बाद टोको वहां पर विंडो तोड़ता है और बाहर आ जाता है और सीधा सपाला के पास आ जाता है। सपाला टोको को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो नोटिस करता है कि टोको के पैर भी जख्मी हो चुके हैं, इसलिए अब वो टोको को घर तक ले जाने के लिए स्लेड पर बिठाता है, मगर टोको स्लेड पर नहीं बैठना चाहता था, बल्कि वो बाकी डॉग्स के साथ भागना चाहता था। अब इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी जब टोको स्लेड पर नहीं बैठता तो सपाला उसे बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है। अब कुछ दूर जाने के बाद सपाला ये नोटिस करता है कि टोको काफी ज्यादा एनर्जेटिक है और वो बाकी डॉग्स के मुकाबले तेज भागता है, और इसलिए सपाला टोको को सबसे आगे बांध देता है। टोको अपनी स्पीड से बहुत जल्दी सबको घर पहुंचा देता है। सपाला टोको को देखकर बहुत ज्यादा खुश था और हैरान भी। वो आकर अपनी वाइफ को बताता है टोको कितने स्पीड से भागा। वो अपनी वाइफ को ये भी बताता है कि ये एक लीड डॉग है। वो टोको को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। सपाला की वाइफ भी टोको को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। इसके बाद सपाला अपने शहर में टोको की मदद से बहुत सारी स्लेड रेसेस जीत जाता है और आहिस्ता आहिस्ता टोको और सपाला बहुत फेमस हो जाते हैं। वक्त इसी तरह गुजरता है और अब 12 साल बीत चुके हैं। हम देखते हैं कि टोको अब काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया है। एक दिन सपाला सफर से शहर अपने घर वापस आता है तो उसको पता चलता है कि शहर में एक बीमारी फैल चुकी है। उस बीमारी का नाम था डिप्थेलिया और वो बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। इस बीमारी से बच्चों की जाने जा रही थी और सब लोग बहुत परेशान थे। अब मेयर वहां पर एक मीटिंग बुलाता है, इसमें सपाला भी जाता है। मेयर बताता है कि इस बीमारी का एक एंटीटोड भी है जो यहां से 600 किलोमीटर दूर निवाड़ा में है, लेकिन वहां जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मेयर वहां पर सपाला से भी पूछता है मौसम के बारे में, तो सपाला उसको जवाब देता है कि जब मैं वापस आ रहा था तो मौसम को देखकर सभी डॉग्स घबरा रहे थे और टोको भी बहुत ज्यादा घबरा गया था। टोको ने काफी साल बाद ऐसा किया है और अगर वो मौसम से घबरा रहा था तो हम सबको भी घबराना चाहिए। इसके बाद सपाला वहां से चला जाता है। सपाला जब बाहर आता है तो एक डॉक्टर उससे लिफ्ट मांगता है। अब सपाला अपने स्लेट से उस डॉक्टर को अस्पताल छोड़ देता है। हॉस्पिटल जाकर सपाला देखता है कि सब बच्चे बहुत ज्यादा बीमार है और अगर मेडिसिन नहीं लाई गई तो बच्चों की जान का भी नुकसान हो सकता है। अब ये सब देखकर सपाला सोच में पड़ जाता है। वो घर आकर अपनी वाइफ से कहता है कि मैं दवा लेने जरूर जाऊंगा। वो कहता है कि मैं टोको को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। तब सपाला की वाइफ उससे कहती है कि टोको अब 12 साल का हो चुका है और तुमने खुद ही कहा था टोको इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और अब तो मौसम भी बहुत ज्यादा खराब है। मैं नहीं चाहती कि तुम टोको की मौत का कारण बनो और तुम अपनी सारी जिंदगी इसी बात पर गुजार दो। तुम्हारी वजह से टोको मारा गया। मगर सपाला तो टोको के बिना जाना ही नहीं चाहता था। वो अगली सुबह टोको को लेकर अपनी वाइफ को गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। अब जैसे जैसे सपाला और उसके डॉग्स आगे
आगे की ओर बढ़ते हैं। वैसे वैसे तूफान भी बढ़ रहा था और हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि सपाला को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। टोको सबसे आगे था और सपाला सभी डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए कहता है क्योंकि इन्हें निवाड़ा से मेडिसिन लेकर जल्दी वापस आना था। सपाला अपने डॉग्स के साथ बहुत ही गहरी घाटी पर होता है, तभी टोको वहाँ पर रुक जाता है, लेकिन सपाला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सपाला जब आगे की ओर देखता है तो वहाँ एक बहुत ही बड़ी खाई होती है। टोको ने इस भयानक तूफान में भी उस खाई को देख लिया था और इसीलिए वो रुक गया था, जिसकी वजह से सपाला और बाकी डॉग्स की जान भी बच गई। तभी सपाला देखता है टोको के पांव में चोट लगी थी और उससे खून भी निकल रहा था। अब पूरा दिन सफर करने के बाद सपाला और उसके डॉग्स एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं। उस आउटपोस्ट पर एक लेडी डॉक्टर होती है। वो सपाला को बताती है कि टोको काफी उम्रदराज हो चुका है, जिससे वो काफी कमजोर हो गया है और इतना बड़ा सफर टोको के लिए अच्छा नहीं है। मगर फिर भी अगले दिन सपाला और उसका लीडिंग डॉग टोको अब आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की हालत बहुत खराब हो रही थी। इधर सपाला अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहा था। वो शॉर्टकट ले रहा था ताकि वो जल्दी से अपने पॉइंट तक पहुंच सके। अब जब वो आगे देखता है तो आगे एक बहुत ही खतरनाक जमी हुई झील थी और दूसरी तरफ से खतरनाक तूफान भी उनकी ओर बढ़ रहा था। मगर सपाला यहाँ पर डरता नहीं है। वो अपने डॉग से कहता है कि आगे बढ़ो। ये बर्फीली झील उनके दौड़ने से हिल रही थी। सपाला के डॉग्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और वो किसी तरह से उस झील को पार कर लेते हैं। अब पूरा दिन सफर करने के बाद ये लोग एक दूसरे चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचकर आराम करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सपाला की वाइफ मेयर के पास जाती है। वो बताती है कि निवाड़ा से मेडिसिन को भेज दिया गया है और वो रास्ते में ही सपाला को मिल जाएंगी। मगर सपाला तो शॉर्टकट से आगे बढ़ रहा है और अगर वो मेडिसिन उसको ना मिली तो उसका सफर और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। वहीं पर दूसरी ओर हम सपाला को देखते हैं जो पूरा दिन सफर करने के बाद एक और चेक पोस्ट पर पहुंचता है। टोको की हालत बहुत खराब हो गई थी मगर फिर भी वो आगे बढ़ना चाहता है। वो रुकना नहीं चाहता, वो लीड करना चाहता है और अब ऐसा ही होता है। सपाला शॉर्टकट से आगे जा रहा था और अगर उसको वो आदमी ना मिला जो निवाड़ा से दवाई लेकर आ रहा था तो सपाला के लिए यह सफर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब सपाला यहाँ पर बहुत ज्यादा थक गया था, उसकी आंखें भी बंद हो रही थी, मगर उसके डॉग्स बिजली की तरह आगे बढ़ रहे थे। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो निवाड़ा से आया था, उसके पास ही दवा थी। वो आदमी रुकता है मगर सपाला अपनी डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहा था। वो आदमी उसको आवाज देता है लेकिन सपाला मदहोशी में होता है। यहाँ पर बहुत तेज हवा भी चल रही थी जिसकी वजह से सपाला उस आदमी की आवाज नहीं सुन पाता, मगर टोको ने यहाँ पर कुछ तो सुन लिया था। उस आदमी को लग रहा था कि सपाला ने उसकी बात नहीं सुनी और वो वहाँ से आगे निकल गया। मगर तभी वो देखता है कि सपाला वापस आ रहा था क्योंकि टोको वहाँ पर रुक गया था और अब सपाला के पास वो दवा थी जिसकी वजह से वो इतना दूर आया था। अब वो दोनों आगे जाकर एक चेक पोस्ट पर रुकते हैं। वो आदमी सपाला से कहता है कि टोको को यहीं पर छोड़ दो, मैंने ऐसे तूफानों में अपने बहुत सारे प्यारे डॉग्स खोए हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम भी अपने प्यारे डॉग टोको को खो दो। लेकिन सपाला इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है कि टोको मेरा लीड डॉग है और मैं इसके बगैर सफर नहीं कर सकता। और अब दोबारा से सपाला अपने डॉग्स के साथ सफर शुरू कर देता है। दोबारा से उनके सामने वही झील आती है जिस झील को उन्होंने कल पार किया था और अब वो झील हिल रही थी। मगर ये लोग इस झील से ना गए तो इनका सफर एक दिन और बढ़ जाएगा। सपाला फैसला करता है कि वो इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। वो टोको को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। उसके डॉग्स बहुत तेजी से झील को पार करने लगते हैं और अब उस झील में से पानी निकलना भी शुरू हो जाता है। अगर ये लोग इस झील में डूब गए तो सबके सब मारे जाएंगे। मगर टोको की स्पीड की वजह से वो लोग किसी न किसी तरह से किनारे तक पहुंच जाते हैं। मगर जिस टुकड़े में ये लोग खड़े होते हैं तभी टुकड़ा किनारे से अलग होने लगता है। अब सपाला टोको को उठाकर उस किनारे पर फेंक देता है और कहता है कि इस बर्फ के टुकड़े को आगे की ओर खींचो। टोको बहुत ज्यादा जख्मी था मगर वो जख्मी होने के बावजूद भी अपना पूरा जोर लगाता है और सभी को किनारे पर ले आता है। अब ये सब के सब उस झील से बाहर आ जाते हैं। अब सपाला किसी न किसी तरह सबको बचाकर एक चेक पोस्ट पर ले आता है जहाँ पर वही लेडी डॉक्टर थी। तो लेडी डॉक्टर जब टोको को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सपाला से कहती है कि तुम्हारा डॉग मर रहा है, की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो यहाँ पर सपाला को भी उदास कर देती है क्योंकि टोको सपाला को बहुत ही ज्यादा प्यारा था। अब सपाला रात गुजारने के बाद जब अपना सफर शुरू करता है तो वो टोको को आगे नहीं बांधता बल्कि पीछे बांध देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार था और सफर भी नहीं कर सकता था। मगर फिर भी टोको अपनी पोजीशन पर आकर खड़ा हो जाता है। सपाला समझ जाता है कि टोको अभी रेस्ट नहीं करना चाहता। वो टोको को आगे बांध देता है और वो लोग अपना सफर शुरू करते हैं। कुछ घंटे बीतते हैं और अब तूफान इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि सपाला को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और ना ही सपाला को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे रहा था। वो टोको के पास जाता है और कहता है कि मुझे तो रास्ता नहीं नजर आ रहा, अब तुम्हें ही हमें रास्ता दिखाना होगा और नेक्स्ट चेक पोस्ट तक जाना होगा। सपाला यहाँ पर अपने पूरे चेहरे को ढक लेता है जिसके बाद टोको अब इनको लेकर आगे की ओर बढ़ता है। मगर कुछ दूर जाने के बाद अब टोको भी थक गया था, वो थक कर वहीं पर बैठ जाता है। अब सपाला उठकर टोको के पास जाता है और टोको से कहता है कि तुम्हें उठना होगा, हमें ये दवाई लेकर आगे बढ़ना है और अगर हम अपनी मंजिल तक ना पहुंचे तो हम सब यहीं पर मारे जाएंगे। मगर टोको उसकी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। सपाला इस बात से बहुत खुश था कि टोको की वजह से उन सबकी जान बच गई, मगर टोको तो कोई हलचल ही नहीं कर रहा था। तभी एक आदमी लालटेन लेकर आता है, यानी कि यहाँ पर टोको ने अपना काम कर दिया था। उसने सपाला को चेक पोस्ट तक पहुँचा दिया था। वो ये देखकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि टोको की वजह से सबकी जान बच गई थी। अब सब अंदर जाते हैं क्योंकि टोको बहुत ही ज्यादा बेहाल होता है, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। यहाँ पर एग नाम का आदमी था जिसको सपाला की वाइफ ने भेजा था ताकि वो उस आउटपोस्ट पर पहुंचकर उससे
से मेडिसिन ले ले और जल्दी से उसे लेकर वापस आ जाए जहाँ पर बच्चे बीमार हैं। रात को सब रेस्ट करते हैं। इसके बाद सुबह वो आदमी मेडिसिन को लेकर निकल जाता है और कुछ ही देर में वो नॉर्म सिटी पहुँच जाता है जहाँ पर एक रिपोर्टर उसका वेट कर रहा था, क्योंकि ये बात न्यूयॉर्क सिटी तक पहुँच गई थी कि एक आदमी इतना लंबा सफर तय करके बीमार बच्चों के लिए दवाई लेने गया है। और रिपोर्टर को लग रहा था यही आदमी अपनी टीम के साथ वापस आया है, और अब वो रिपोर्टर सपाला की बजाय उस आदमी का नाम न्यूज में छाप देता है। सपाला की वाइफ बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। दूसरी तरफ टोको भी काफी हद तक रिकवर हो जाता है। अब सपाला अपनी डॉग्स के साथ नॉर्म सिटी पहुंच जाता है। वहां पर सपाला और टोको को थैंक्स बोलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। यहां पर वो बच्चे भी आते हैं जो सपाला की वजह से ठीक हो गए थे। वहीं पर एक बच्ची भी आती है। वो टोको को देखती है और पूछती है कि क्या ये मरने वाला है। तो सपाला ये सुनकर अपने घर से बाहर आ जाता है। तब उसकी वाइफ भी उसके पीछे आती है। वो अपनी वाइफ से कहता है टोको की आज जो भी हालत है वो मेरी वजह से है। टोको 12 साल का था और मुझे उसे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि क्या टोको के अलावा कोई और भी था जो ये काम कर पाता। सपाला यहाँ पर खामोश हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि टोको के अलावा कोई और ये काम नहीं कर सकता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह सपाला दोबारा से अपने डॉग्स के साथ प्रैक्टिस करने जा रहा था। अब टोको जब ये देखता है तो वो भी बाकी डॉग्स के साथ बाहर जाना चाहता था, वो घर में नहीं रुकना चाहता। अब सपाला भी इस बात को समझ जाता है कि वो स्लेट्स को खींचना नहीं चाहता था बल्कि वो सपाला के साथ टाइम गुजारना चाहता था। अब थोड़े वक्त बाद टोको बिल्कुल ठीक हो जाता है। सपाला अपनी वाइफ और टोको के साथ लंबी सैर पर जाया करता था। 2 साल बाद टोको के कुछ बच्चे भी होते हैं जिन्हें वहाँ पर बहुत सारे मिशनर्स लेने आया करते थे। इन बच्चों की ब्रीड को एक नया नाम दिया गया था, वो था सपाला साइबेरियन। इसके बाद 1929 में टोको की डेथ हो गई। इसके बाद भी सपाला डॉग्स को ट्रेन करता था लेकिन टोको तो उसकी सिटी में बहुत ज्यादा फेमस डॉग था। तो दोस्तों ये थी टोको की स्टोरी। टोको ने इस स्टोरी में प्रूफ किया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार और ख्याल रखने वाले सिर्फ डॉग्स ही होते हैं। और इसी के साथ मूवी का दी एंड होता है।